म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान ने रेस किया एक सीरियस इशू. उन्होंने बात की कि कैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ओरिजिनल म्यूजिक बनता जा रहा है एक सेकंड प्रायोरिटी. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड वेयर ए.आर. रहमान इज कमिंग फ्रॉम, बिकॉज यही हो रहा है आजकल म्यूजिक. अगर आपकी अगर बात करें तो पीपल आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन ओनली द नंबर्स एंड नॉट हाउ सोलफुल और ब्यूटिफुल म्यूजिक इज. अगर बात करें रिकॉल वैल्यू की, देर इज एब्सोल्युटली नो रिकॉल वैल्यू. इफ यू आस्क मी इन द लास्ट 6 months विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, आई विल एंड अप सिंगिंग अ सॉन्ग विच इज ऑलरेडी अ रीमेक, यू नो व्हाट आई मीन. सो अगर हम सागर यहां पर डायनामिक्स के बारे में बात करें अबाउट हाउ म्यूजिक वॉज अर्लियर, हम मूवी देखने जाते थे, एक गाना सुनते थे, हल्की सी धुन हमारे दिमाग में रह जाती थी, वापस आते थे, ढूंढते थे उस गाने को, या तब सुनना शुरू करते थे, एंड ओवर द टाइम इट वुड बिल्ड ऑन आवरसेल्व्स, राइट. लेकिन अब म्यूजिक बन चुका है दैट हुक दैट गेट्स यू टू द हॉल. आई मीन दैट इज वन थिंग दैट गेट्स यू आई बॉल्स. अगर हम सिम्बा की बात करें तो आई मीन दिस इज ऑल्सो मूवी जिसमें काफी गाने आए, लेकिन दो गाने आउट ऑफ द मूवी दैट हैज ऑलरेडी रिलीज, उसमें से दो ऑलरेडी रीमेक्स हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट आंख मारे, वी आर टॉकिंग अबाउट तेरे बिन. आई मीन सबको पसंद जरूर आ रहा है, लेकिन देयर इज नथिंग न्यू दैट दे आर गिविंग टू अस. एब्सोल्युटली. और आई विल टेल यू व्हाट व्हाई दिस हैज बिकम अ न्यू जोन. वी आर ऑलरेडी पिकिंग सॉन्ग्स फ्रॉम आवर ओन इंडस्ट्री जो ऑलरेडी हिट थे. वो हिट क्यों थे? क्योंकि वो ब्यूटीफुल थे, सोलफुल म्यूजिक थे, इसलिए वो हिट थे. और उसी हिट म्यूजिक को आप आज उसका हुक सॉन्ग बनाकर, एक हुक बनाकर, यू आर ब्रिंगिंग बैक द ऑडियंस इन द थिएटर्स एंड यू थिंक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. बट वी स्टिल एज एन ऑडियंस आर क्रेविंग फॉर new music. We've been saying this time and again, and finally A.R. Rahman has also spoken up and said that the last time he felt there was a soulful music in any movie is Rockstar. And he also talks about ki kaise jab aap music banate ho aap pura pressure musicians pe nahi dal sakte. Exactly. Director, musicians, lyricists, actor, they all have to sit together, discuss what the situation is, where you want to put the movie in and how you want the lyrics to be. So it is a combined teamwork. And that is what he's talking अबाउट कि आजकल ना रिकॉल वैल्यू है, आज सिर्फ रिपीट कर रहे हैं एंड सिर्फ नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं. इट्स बिकम अ बिजनेस स्ट्रेटजी टू ब्रिंग पीपल टू योर फिल्म. एग्जैक्टली. एंड डेडलाइंस इतनी वो होती हैं, बैक टू बैक होती हैं, कि आपको उस डेडलाइन के अंदर जब एक सॉन्ग क्रिएट करना होता है, इट्स वेरी डिफरेंट फॉर म्यूजिशियंस आल्सो टू क्रिएट समथिंग इन दैट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट कि इंडिया एज अ कंट्री जहां पर बॉलीवुड मूवीज बनती ही म्यूजिकल के कॉन्सेप्ट में है, बट अनफॉर्चुनेटली नाउ द म्यूजिकल्स हैव डन सो वेल इन इंडिया. एंड ही इज लाइक बिकॉज इट इज अ ग्रैंड अफेयर, इट needs rehearsals, it needs musicians and actors, and frame by frame aap usko shoot karte hain, but then we just don't have that kind of time to invest, because time also means money, and we just want to earn money and not invest the money. So I think somewhere ye jo ek loophole hai na, ye jab badhta jayega, I think our movies are going to see that gaping hole of that soulful music jo kafi apparent hota ja raha hai.